तो कैथरीन इज अ साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेड दैट की कर्ली टॉप वायरस सबसे मेन जो आपकी यहां यहाँ पे अगर हम हाईलाइटर का इस्तेमाल करें और आपको बताएं सबसे मेन काम जो करली टॉप तो वायरस यहाँ पे उसने किया था शी रिपोर्टेड दैट इन इन हर हर्ली पब्लिकेशन दैट करली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग फ्लोइम टिश्यू ये इसकी मेन डिस्कवरी थी शी डिस्कवर अबाउट करलीट ऑफ वायरस इन्फेक्शन ऑफ़ वायरस का इन्फेक्शन प्लांट में कैसे होता है तो हम आपको ये बताएंगे कर्लीट ऑफ वायरस होता क्या है और कैसे ये अपना काम करता है।, और ये की करता है प्लांट के अंदर फ्लोइम के थ्रू स्प्रेड करता है ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ओके okay? तो कर्ली टॉप वायरस के बारे में जानते हैं कर्ली टॉप वायरस इट इज कॉज बायस करटोरस ओके आपने इसी पेज में नोट करना है काफी स्पेस है ऊपर आप वहां नोट कर सकते हो इजीली ठीक है एनसीआरटी की उस पेज में ही आप नोट करोगे ताकि सारी इंफॉर्मेशन वहीं गैदर हो जाए स्मॉल स्मॉल लिख कर छोटा छोटा लिख कर आप वहां पे आसानी से वहां पर इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो तो इट इज द जीनस ऑफ सिंगल डीएनए वायरस। एंड दिस वायरस इज स्प्रेड बाय इट इज़ स्प्रेड बाय इट इज ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर वायरस लीफ हॉपर इंसेक्ट लीफ हॉपर इंसेक्ट ठीक है डाइकोट प्लांट नेचुरल होस्ट और इसके होस्ट मोस्टली डाइकोट प्लांट ही होते हैं सर्व एज नेचुरल होस्ट तो ये जो वायरस है वायरस हमने बखूबी पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से वायरस की सिमिट्री हमने पढ़ी थी तो ये वायरस बेसिकली नॉन इनव है इट इज विद इकोसा हेड्रल सिमिट्री ये सब हमने पढ़ा था वहां पे आपको याद आ रहा होगा वायरस के अंदर विद इकोसा हिड्रल सिमिट्री तो देखो बेसिकली ये साइंटिस्ट जो है इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन एनाटॉमी से लेना देना क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी आप देख सकते हो यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ

Then, इस वायरस की सिमेट्री हमने पढ़ा किमेट्री थी विद डायटर ऑफ ट्वेंटी टू नैनोमीटर ट्वेंटी टू नैनोमीटर का यह वायरस था विद ए लेंथ ऑफ विद ए लेंथ ऑफ ट्वेंटी थर्टी एट नैनोमीटर विद ए लेंथ ऑफ थर्टी एट नैनोमीटर लेंथ इसकी कितनी है थर्टी एट नैनोमीटर है इस वायरस की ठीक है तो इस बीमारी में ये जो डिसीज कॉज करता है प्लांट को करली टॉप डिसीज करता है ये तो करली टॉप डिसीज जो प्लांट के अंदर इस वायरस के थ्रू होता है उसके सिम्टम्स क्या हैं इट इज करेक्टराइज बाय स्टंटिंग ऑफ प्लांट प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी ठीक है मिस्टर मान सुन रही बात सर डिफॉर्मेशन ऑफ लीव डिफॉर्मेशन ऑफ लीवस एंड फ्रूट फ्रूट और लीव्स की जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अफेक्ट गई वो काफी ज्यादा क्या होगी अफेक्ट होगी लेट ऑफ डिसीज इज करेक्टराइज बाय स्टंटिंग ऑफ प्लांट एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लीव एंड फ्रूट्स ठीक है कटियोल एंड ब्लेड ऑफ लीफ कर्ल वो मुड़ जाएंगे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे एंड बिकम डिसकलर्ड लीफ का जो कलर है ग्रीन कलर का वो गायब हो जाएगा है ना वाइट हो जाएंगे वो एक तरह से तो ये जो करली टॉप वायरस होते हैं अलग अलग क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग करली टॉप वायरस होते हैं मैं आपको तीन बताने वाला हूं जैसे कि आपका एक होता है बीट करली टॉप वायरस जो कि अफेक्ट करता है किसको बीट प्लांट को जिसे नाम से पता चल रहा है मैं और ये स्प्रेड होता है किसके थ्रू स्प्रेड होता है बीट लीफ हॉपर इंसेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होता है ठीक है और ये जो लीफ हॉपर है इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको जीनस नेम पूछा होता है कभी भी आपको लीफ ऑपर नहीं दिया होगा ठीक है सरकुलीफर ये पूरा सरकुलिफर इज ऑफ़ दिस ग्रास ऑपर ऐसे फिर आपका हॉर्स रेडिश करली टॉप वायरस है हॉर्स रेडिश वायरस है, जो कि रेडिश प्लांट को इफेक्ट करेगा समझ रहे हो ना बात को ऐसे फिर स्पिनेच वायरस है जो कि करेगा स्पिनेच को। तो, तो देर आर सो मैनी टाइप ऑफ वायरस फिलोएम के थ्रू ये स्प्रेड करता है ये एसू ने बताया था तो फिलोएम भी तो एनाटॉमी में ही आता है ना फिलोएम भी एक एनाटॉमिकल टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आता है आपको पता ही अच्छी तरह से तो ये वायरस का कुछ डायग्राम है इस तरह से ये दिखता है वायरस इसकी बाहर ये कैप्सिड है ये तो आपको पता ही है और इसका जो डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसका जैसे कि अभी आपको हमने बताया था सिंगल स्टैंडर्ड ओके और ये बाहर आपके ट्वेंटी टू कैप्सोमियर से इसका एक पूरा का पूरा कैप्सिड बनता है ठीक है बच्चों नोट कर लिया आपने ये बताइए मुझे आप तो इस तरह से एनसीआरटी में जब भी कुछ हम थोर, हमें हर एक साइंटिस्ट के बारे में थॉरली पढ़ना है और क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे अपने पहले चैप्टर पहले यूनिट के अंदर जो पढ़ा था पहले यूनिट के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर उनके ऊपर भी नि टू थाउजेंड सिक्सटीन में क्वेश्चन आ चुका है और इन पे भी आ सकता है इनकी रिसर्च के ऊपर जैसे टॉप वायरस है इसके ऊपर आ सकता है तो इसके ऊपर मैं थ्री एमसीक्यूज आपको दे रहा हूँ आप भी आंसर करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो ये है करली टॉप वायरस थ्रू ए प्लांट वाय फूड कंडक्टिंग टिश्यू एक तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको इस तरह से ये एनसीआरटी की लाइन से ही उठाया हुआ है इन्होंने फूड कंडक्टिंग टिश्यू और फिलोइन मतलब सबसे पहले किसने बताया था कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो अब ये वो बच्चा नहीं कर पाएगा जो एनसीआर नहीं पढ़ता है जो एनसीआरटी पढ़ता है जो हर एक साइंटिस्ट के बारे में तो हर एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है वहां से भी सवाल आ सकते हैं वो आपकी यूनिट का ही पार्ट है मतलब जो भी साइंटिस्ट की फोटो यूनिट के आगे लगाई होती है उनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस यूनिट के अंदर समझ रहे हो बात को अब एनाटोमी आपको चैप्टर आएगा तो समझ रहे हो ना बात को एसु तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑप्शन डी एसओ एक तो ये आ गया देन क्वेश्चन नंबर टू एक तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भी बताओ किसने बता, किसने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था तो ये तो आपके एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है दूसरा कर्लीट ऑफ वायरस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कर्ली ऑफ़ वायरस इज कॉज्ड बाय इस वायरस का जीनस नेम क्या है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था टो वायरस बी ऑप्शन है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस सी ऑप्शन आपका है टीएमवी वायरस और डी ऑप्शन आपका है नन तो आप खुद बताइए यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका अभी मैंने आपको बताया था सर ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल क्योंकि आपका जो ये वायरस है इसका जीनस क्या है कर्टो वायरस आप देख सकते हो यहाँ पे इट बाय टो वायरस देख रहे हो आप अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ये काफी डीप है ये लिखा भी नहीं हुआ यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो इस पे आ सकता है देखो द दे कैरियर ऑफ करली टॉप वायरस कैरियर ऑफ कर्ली टॉप वायरस इज सरकूलिफर की कडोलना सी ओरो सिस और डी ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन आपका है नन देखो कैरियर ऑफ करली टॉप वायरस कैरियर कौन है करली टॉप वायरस का कैरियर मतलब जो उस डिसीज को स्प्रेड करता है तो अभी आपको मैंने बताया था इन लीफ ऑपर जो तो इंसेक्ट है तो लीफ ऑपर का साइंटिफिक नेम क्या है देखो मैंने आपको यहाँ जीनस नेम क्या है इसका देखिए सर्कुलीफर दिखाया था आपको भी मैंने तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा सर्कुलीफर उसका जीनस नेम पूछा है देखो तो लीफ हॉपर लीफ हॉपर का जीनस नेम क्या है सर्कुलीफर <coughs> जो कि मैंने आपको यहां पे लिखाया था बीट कर्लेट ऑफ वायरस को स्प्रेड करता है लीफ हॉपर हॉपर इसका साइंटिफिक नेम है सरकुलीफर जो कि बीट प्लांट को इन्फेक्ट करवाता है इस वायरस से क्लियर है तो करली टॉप डिसीज में जो सिम्टम्स है सिम्टम्स में भी सवाल आ सकता है तो थॉरली पढ़ना है आपने इस चीज को ठीक है इस इनकी बुक का नाम क्या था ये भी आ सकता है क्वेश्चन तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी साइंटिस्ट के रिगार्डिंग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है ऐसी थर्ड यूनिट का भी पढ़ेंगे हम फोर्थ का भी पढ़ेंगे फिफ्थ का भी पढ़ेंगे सो so ऑन ओके okay? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसको नोट कीजिए और इसको शेयर कीजिए इतना आप कर सकते हैं अपने बाकी फ्रेंड्स को भी ठीक है चलो बच्चों थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर